सालों पहले की बात है, एक लड़की अपने घर के स्विमिंग पूल में अपने भाई की गुमी हुई बोट को देखती है और अपने बिस्तर पर लेटे हुए बीमार भाई से कहती है कि मैं उस बोट को तुम्हारे लिए लेने जा रही हूँ। उसका भाई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत बीमार था। लड़की पूल के पास जाकर पानी में जंप कर देती है और अचानक ही कोई अजीब ताकत उसे पानी की गहराइयों में खींच लेती है। ये लड़की मर जाती पूल से बाहर उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। पूरा जोर लगाते हुए जब वो बाहर आती है तो बाहर उसकी मॉम तो क्या कोई इंसान नहीं था। अचानक से दोबारा कोई ताकत उसे ऐसा पानी के अंदर खींचती है कि वो लड़की दोबारा कभी नजर नहीं आई। सीन यही से कट होकर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम रे की फैमिली को देखते हैं। ये लोग रहने के लिए एक स्विमिंग पूल वाला ऐसा घर ढूंढ रहे थे जहाँ रे का अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से रे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था और अब वो रूटीन की चीजें जैसे चलना फिरना देखना जैसे काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और बीमारी की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया था। ये लोग रहने के लिए वही घर चुनते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा है। घर शिफ्ट होने के बाद ये लोग पहला काम पूल की सफाई के बारे में सोचते हैं, जिसको करते हुए रे का हाथ कट जाता है। अब ये लोग कुछ प्रोफेशनल लोगों को पूल की सफाई के लिए बुलाते हैं। इस पूल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड था, पूल में इन्हें खुद पानी डालना नहीं पड़ता था, नेचुरली जमीन के नीचे का पानी इस पूल के अंदर आता था। वो लोग कहते हैं कि ये पानी तुम्हारे लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। खैर हम आगे देखते हैं कि पूल अब दोबारा से तैयार था। ये फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। ये लोग पूल के अंदर जंप कर देते हैं, सभी को बहुत मजा आ रहा था। ये लोग अपने कुछ काम करते हैं और रात में ले की वाइफ दोबारा पूल के अंदर स्विमिंग करने के लिए जाती है। उसे भी स्विमिंग करते हुए पूल के बाहर ले खड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो यहाँ कोई नहीं था। ले की वाइफ इन सारी चीजों से घबरा जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अब यही पर हमें इनकी बिल्ली को बैठा दिखाया जा रहा था। उससे पूल के बिल्कुल दरमियान में वही बोट दिखाई देती है जो कहानी के शुरू में दिखाई जा रही थी और अगले दिन इन सबको इस पानी के अंदर इनकी कैट का कॉलर मिला था। इनकी कैट अब गायब हो चुकी थी। रे का बेटा इस चीज से बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। उसकी मॉम से कहती है, उदास ना हो, हम इस पूल के ऊपर एक कवर लगा देंगे ताकि आइंदा कभी ऐसा कुछ ना हो पाए। यही रे नोटिस करता है कि कल जो स्विमिंग पूल से उसके हाथ में बड़ा सा कट लगा था उसमें बिल्कुल दर्द नहीं है। वो पट्टी खोल के देखता है तो इतना बड़ा कट बिल्कुल ठीक हो चुका था, ऐसे जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। रे को लगता है कि ये सब पूल के पानी की वजह से हुआ है, इसीलिए वो पूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। जबकि दूसरी तरफ रे की वाइफ को पूल से जुड़े कुछ बुरे सपने भी आने लगते हैं। रे अगले दिन डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर बताती हैं कि हैरान कन तौर पे रे बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। दिखाया जाता है कि रे का बेटा स्विमिंग पूल के पास बैठा था जब अचानक स्विमिंग पूल के अंदर बहुत से कॉइन्स आना शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये कॉइन्स शायद उसके डैड फेंक रही है जिन्हें वो जमा करना शुरू कर देता है। और अचानक उसे पानी के अंदर एक बच्ची दिखाई देती है, वही बच्ची जो इस मूवी के स्टार्ट में इसी पूल में गायब हो गई थी। वो बच्ची स्विमिंग पूल के ड्रेन हॉल से मदद मांग रही थी। इस ड्रेन के अंदर हाथ डालने पे पहले इस बच्ची को एक खिलौना मिलता है। जब वो इस खिलौने को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर बहुत से बाल लगे हुए थे। अचानक वो बाल हाथों में बदल जाती है और ये हाथ उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। बच्चा बहुत ज्यादा डर कर यहाँ से बाहर निकल आता है। वो ये सारी बातें अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम जब चेक करती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब लोग मिलकर अब रे की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं। जो कहते हुए पहले तो रे काफी कमजोर महसूस कर रहा था अपने आप को, लेकिन फिर जब वो पूरा फोकस लगाता है तो इस बार उसने ऐसी शॉट लगाई थी कि बॉल तक फट गई थी। सब लोगों के साथ साथ वो खुद भी इस चीज से हैरान था। रात में रे और उसकी वाइफ डिनर के लिए चले जाते हैं। रे की बेटी अपने फ्रेंड को बुला लेती है। ये लोग जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अचानक उस बच्ची को पानी के अंदर भूत नजर आता है, जिससे डरकर वो पूल से बाहर ही निकलने वाली थी, पर वही भूत उसे पानी के अंदर खींच लेता है। सिर्फ यही नहीं, ये भूत उसे स्विमिंग पूल के पानी से भी नीचे ले गया था। ये लड़की ने आपको इससे बचाते हुए स्विमिंग पूल में आकर बाहर निकल आती है। वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसके भाई को भी समझ आ गई थी कि उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि मैं जानता हूँ इस पूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें मॉम डैड को इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि ये पूल ही है जो हमारे डैड को बहुत तेजी से ठीक कर रहा है
और हमारी माँ भी खुश रहने लगी है। इन दोनों की इस बात का यकीन तो था कि ये पोल भूतिया है, लेकिन वो इस बारे में अपने मॉम डैड को नहीं बताते। अगले दिन ये लोग पोल पार्टी रखते हैं और रे ने जिनसे घर खरीदा था वो एजेंट भी यहाँ आती है। रे की वाइफ उससे सवाल करती है कि मैंने सुना है कि 15 साल तक ये पोल बंद रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों में यहाँ रहने वाले लोगों ने इस पोल का इस्तेमाल ही नहीं किया। एजेंट बताती है कि काफी सालों पहले यहाँ पे एक लड़की डूब गई थी जिसके बारे में लोगों ने ऊटपटांग बातें शुरू कर दी, लोग इस पुल से डरने लगे और फिर किसी ने इस पुल को चलाया ही नहीं। लेकिन वाइफ कहती है क्या उस बच्ची का नाम रबीका तो नहीं था। एजेंट शॉक थी कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। ये नाम असल में पुल ने ही रे की वाइफ को बताया था। पुल पार्टी के दौरान सभी लोग एंजॉय कर रहे थे जबकि ऊपर रे का बेटा कैमरे से इस पुल पार्टी में होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कुछ बुरा हो जाए। रे जो कि इस वक्त एक बच्चे के साथ पानी के अंदर था, अचानक ही उसे पोल के अंदर काला साया नजर आता है जो एक सेकंड में ही उसके अंदर जाकर उसे पोजेस कर चुका था। उस काले साये के कब्जे में आते ही रे उस बच्चे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अपने रूम में खड़ा हुआ रे का बेटा ये सब चीजें नोटिस कर लेता है और नीचे आकर अपनी मॉम को बताता है। ये लोग रे के हाथ में मौजूद उस बच्चे को तो बचा लेते हैं पर जिस बच्चे को लेकर रे पानी के अंदर गया हुआ था वो उसके कोच का बेटा था। कोच बहुत ज्यादा नाराज था, वो रे के खिलाफ FIR भी कटवा सकता था पर रे की वाइफ उसे समझाती है कि ये रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा। रे की भी हालत काफी अजीब हो चुकी थी, वो भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए उसकी वाइफ उसे कमरे में बंद कर देती है और खुद रबीका यानी सालों पहले इस पोल में डूबने वाली बच्ची के ऊपर रिसर्च शुरू करती है जो करते हुए उसे मालूम पड़ता है कि सदियों से ही इस पोल के अंदर लोग गायब होते आ रही है। ये बात जानने के बाद वो खुद भी खौफ में आ चुकी थी, वो इस पोल का पानी सबसे पहले निकालती है और फिर रबीका की मॉम के पास जाती है और उनसे पूछती है कि रबीका के साथ क्या हुआ था और आपका बेटा जो बहुत ज्यादा बीमार था आज वो बिल्कुल ठीक कैसे है और शहर का इतना बड़ा आदमी कैसे बना वो। पहले ये औरत कहती है कि तुम जो सब बता रही हो वो झूठ है, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी। लेकिन रे की वाइफ के ज्यादा फोर्स करने पे वो विशिंग वेल की एक कहानी सुनाना शुरू करती है, एक ऐसे कुएं की कहानी जिसके अंदर सिक्के डालने से लोगों की विश पूरी हो जाया करती थी क्योंकि विशिंग वेल का पानी जादुई था और इसीलिए उस पानी की पूजा भी की जाती थी। इन कहानी में एक ट्विस्ट भी है, जब जब कोई इस पानी को अपनी विश पूरी करने के लिए जगाता था तब तब ये पानी एक कीमत मांगता था। और रबीका की कहानी ये थी कि उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार था जिसे हमने कहानी के शुरू में ही देख लिया था, उसकी मॉम उसे ठीक करना चाहती थी इसीलिए उन्होंने इस पानी से विश मांगी और इस विश को पूरा करने की कीमत उन्होंने अपनी बेटी पानी को देकर अदा की। ये भी आसान लफ्जों में उन्होंने अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया। रेकी वाइफ नोटिस करती है कि इस औरत के काले आंसू आ रहे थे, कोई चीज उसे प्रोसेस कर रही थी और यहाँ का पानी भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। इन सारी चीजों से डर कर वो यहाँ से चली जाती है पर अब वो ये बात भी समझ चुकी थी कि उन्होंने ये पोल रे को ठीक करने के लिए भरा था, ये तो ठीक हो जाएगा पर ये पानी उसके किसी एक बच्चे को निगलने का। घर आने पे हम देखते हैं कि रे के दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हैं और तभी रे के बेटे को बाहर अपनी बिल्ली की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो हैरान के तौर पर पोल दोबारा पानी से भरा हुआ था। ये चीज उसे परेशान करती है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम ने इस पोल को खाली कर दिया है। वो पोल को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी दोबारा उसे पोल के अंदर एक ट्यूब पे अपनी बिल्ली बैठी हुई नजर आती है जिससे बचाने के लिए जब वो पोल के अंदर जाता है तो कोई चीज उसे पोल के अंदर खींच देती है और पोल का कवर बंद होना शुरू हो जाता है। रे की बेटी जो ये सब देख रही थी वो अपने भाई को बचाने के लिए बाहर जाती है और इतने में ही यहाँ पर रे की वाइफ भी आ जाती है। ये दोनों मिलकर पोल का कवर वापस खोलने की कोशिश में लग जाती है और रे की वाइफ अपनी बेटी से कहती है जाओ तुम रे को बुला के लाओ अपनी मदद के लिए, पर अंदर रे को तो किसी शैतानी ताकत ने बुरी तरह पोजेस कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और इसीलिए रे अपनी बेटी के ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ बाहर रे की वाइफ एक पाइप को अपने मुंह में डालते हुए पोल के अंदर जंप कर देती है
ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और इस पाइप के जरिए देर तक सांस ले सके। इस पोल से नीचे जाने पर उसका सामना गहरे पानी से होता है। उसे यहाँ अपना बेटा तो मिल जाता है, लेकिन साथ में बहुत से भूत भी नजर आते हैं। ये सारे भूत मिलकर उसे डरा रहे थे, जिनसे बचकर वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर उसे बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर रेबिका की रूह उसकी मदद करती है। वो एक कॉइन को पानी में गिराती है, जिसकी डायरेक्शन में जाते हुए रेगी वाइफ इस पुल से अपने बेटे को निकाल कर बाहर ले आई थी। लेकिन अब उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था, वो उसे बचाने की कोशिश में थी। और तभी यहाँ पर पोसेस हुआ रे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। ये कहते ही वो अपनी वाइफ को भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को मार देता, पीछे से उसकी बेटी उसी का बेसबॉल बैट उसके सर के ऊपर मारती है। उसकी बेटी उससे होश में आने को कहती है और तभी रे को अपनी फैमिली के साथ बिताए गए अच्छे लम्हे याद आते हैं। उससे एक उल्टी आती है और ऐसे उसके अंदर मौजूद इवल स्पिरिट बाहर निकल जाती है। और जो इवल स्पिरिट रे के अंदर से निकली थी, उसने पानी को काला कर दिया था। रे अब समझ चुका था कि किसी को तो पानी के अंदर जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद इस पानी के अंदर गिर जाता है और ये पानी उसे सेक्रीफाइस के तौर पे कबूल करके उसके बेटे को एक नई जिंदगी दे चुका था। और मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि रे की फैमिली उसे बहुत ज्यादा याद कर रही थी। उन्होंने अब फैसला किया था कि वो जिंदगी भर इसी घर में रहेंगे, ताकि आइंदा कभी कोई इस पोल के पानी को ना जगाए और ना ही ये पोल किसी और आदमी की जान ले। जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।